सो वेलकम टू ट्रेडर्स जेन। बेसिकली हम अपने ऑफिस के अंदर सारे कलीग्स के साथ मार्केट बंद होने के बाद जो डिस्कशन करते हैं, हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ऑनेस्टली आज मार्केट से पहले या मार्केट के बीच में मेरी किसी से भी कोई बात नहीं हुई है, एंड इवन आई डू नॉट नो, सिर्फ तेरा छोड़ के ये बीच में आ गया था कि किसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा। सो हमने पहले से प्री डिफाइंड एल्गोज बना रखे हैं, प्री डिफाइंड सेटअप बना रखे हैं जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो जो सेटअप्स हैं, जो एल्गोज हैं, उसके ऊपर हमें पता है कि हम अपनी ही कैपिटल से, जो हमारा अपना पैसा अलग अलग अकाउंट्स के अंदर, उसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो आप एक प्रॉफ फर्म टाइप कह सकते हो, बट मतलब लोगों के हिसाब से खैर बहुत बड़ा नहीं, बट एक डिसेंट कैपिटल के साथ हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कई सारे लोगों को सीखने को मिलेगा कि रियल ट्रेडर्स किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या पोजिशन बना रहे हैं, एंड आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बट कई सारी चीजें होंगी जो हो सकता है आपको एक बार में ना समझ आए। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपको एक चीज समझानी है, जैसे हम अपनी आपस में बात करेंगे, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्यूरियोसिटी बेस्ड लर्निंग हो सकती है कि यार ये चीज मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में सर्च करूंगा। तो ऑलरेडी मैंने हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि जो मुझे समझ नहीं आया, जैसे उसे यूट्यूब या गूगल कर लीजिएगा, आपको मेरी वीडियोज दिख जाएंगी एंड यू विल लर्न अबाउट देम। सो शुरू करते हैं, कैसा रहा आपका दिन? आज सुबह सुबह मैंने आज फिन निफ्टी ट्रेड किया है। वैसे कितने बजे शुरू किया था आपने ट्रेडिंग? मैंने 9:40 के बाद ट्रेड किया, क्योंकि सुबह सुबह फिन निफ्टी काफी वोलेटाइल था। ठीक है, और मैंने बिगनिंग थोड़ा सा बेसिक डाटा रीड करके करता हूँ, तो ये बेसिकली डाटा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वैसे डाटा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है बहुत ईजी। बेसिकली मैं क्लाइंट देखता हूँ, इसमें क्लाइंट अगर बाय है तो फिर मैं शॉर्ट जाता हूँ, तो इसका अपोजिट है। अच्छा, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक कर रहा है उसके अपोजिट करो, रिटेल के अपोजिट ट्रेड करो। यस यस यस, तो रिटेल अगर बाय कर रहा है तो सेल कर दो। हाँ, ये इसमें दिखाया हुआ भी है, एफआईआई शॉर्ट है बेसिकली, और रिटेल है वो लॉन्ग है। उनकी जनरल सेइंग है कि जस्ट डू व्हाट रिटेलर डूइंग, उसका ऑपोजिट करना, जस्ट डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट रिटेलर डूइंग। करेक्टली। सो थोड़ा सा बेसिक मैं चार्ट देखता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं। तो ये मैं बेसिकली चार्ट ये है, जैसे तो मैंने ये रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, और बेसिकली ये निफ्टी का रेजिस्टेंस था। हाँ। तो यहाँ से फिर दोबारा रिवर्सल, यहाँ से दोबारा रिवर्सल, तो यहाँ से मैं रेजिस्टेंस मान रहा था। तो बेसिकली ओवरऑल मोटा मोटा नेट नीचे ही लगा के चल रहा था, उस बिहाफ पे मैंने ट्रेड ली है फिन में। तो यहाँ मेरा आज बेसिकली सुबह सुबह थोड़ा सा माइनस भी हुआ था, पर एट द एंड ऑफ द डे मतलब 0.5 पे क्लोज किया। हाँ, तो ये बेसिकली 50L का अकाउंट है मेरा, तो इसमें 0.5 बना है। ये मैं थोड़ा सा चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा क्या किया है। तो ये बेसिकली आज का MTM है मेरा, कैसे मार्केट ने मेरे MTM को मूव किया है, तो वो दिखा देता हूँ मैं चार्ट के थ्रू। सो स्टार्ट मैंने किया, फिर प्लस में आ रहा था पूरा बिगनिंग में, बिगनिंग से ही, फिर एकदम से नीचे का स्पाइक आया, स्पाइक के साथ प्रीमियम भी डबल हुआ है, वो भी मैं आगे शो करता हूँ। तो फिर यहाँ पे गिरा, ये बेसिकली डायरेक्ट स्ट्रेटेजी है। तो फिर मैं थोड़ा सा कल से ही अवेयर था कि बड़ा मूव आ सकता है, तो मैंने हेज पे थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश की। तो मैं बेसिकली स्ट्रेटेजी में माइनस जा रहा था, तो हेज से रिकवर कर रहा था उन चीजों को, तो ये हेज से मैंने रिकवर भी किया, तो मैं मोटा मोटा लॉस में ज्यादा गया नहीं उस वजह से। तो ये आज का गेम था मेरा। ये थोड़ा सा प्रीमियम का थोड़ा सा मैं एनालिसिस दे देता हूँ कैसे मूव किया। तो स्टार्ट ये 166 प्रीमियम मिल रहे थे, फिर यहाँ से ये थोड़ा डीके भी मिला, ये जैसे मैं चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर एकदम से मार्केट ने स्पाइक किया। तो आपने यहीं पे जाके शॉर्ट मारा? हाँ, बेसिकली सर मैं यहाँ कहीं एंटर कर गया था। आपने बोला 9:40 पे एंटर किया? 9:45 पे, यहाँ पे मैंने एंटर किया 9:40 पे, जहाँ पीक पे। तो फिर मेरे को थोड़ा डीके मिल गया था, तो स्पाइक में मेरी हेल्प हो रही थी। तो फिर यहाँ से कहीं पे एक बार स्पाइक आया, ये वाला स्पाइक आया जहाँ पे, तो फिर वहां पे एकदम से जो स्ट्रेटेजी वाला MTM है वो नेगेटिव जाने लग गया, तो वो हेज से कवर करके फिर मैं यहाँ कहीं निकल गया था, 11 बजे के आसपास निकल गया था, क्योंकि निकलने का भी एग्जिट का भी रीजन था बेसिकली। तो जो प्रीमियम थे वो मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं 100 पे एंटर था, 100-150 स्ट्राइक पे, तो वहाँ पे 10 रुपये बचे थे, कहीं पे 5 रुपये बचे थे, तो मैं ओवरऑल कैपिटल रिस्क पे नहीं डाल रहा था, इस वजह से एग्जिट कर गया। तो आपने कितने बजे एग्जिट किया? 11-10 पे। उसके बाद आपने ट्रेड नहीं किया? प्रीमियम नहीं बचे थे एक्चुअली। हाँ, वो ठीक है, देख लिया था मैंने। हाँ, 7-7 रुपये रह गया। तो हाँ, तो मैं दैट्स द रीजन। ठीक है, आपका कैसा रहा दिन?
आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो फिन निफ्टी में मैंने ट्रेड किया, इसके साथ साथ मैंने मंथली बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा हूँ, जैसा कि अभी मैंने 50-50% कर दिया है क्योंकि अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी फिन निफ्टी की मिल रही है। तो हाफ पोजीशंस मेरे फिन निफ्टी के थे जो मैंने इस अकाउंट पे किया, राइट। और इस अकाउंट में वही जो था ऑलमोस्ट मैंने जो कैपिटल डिप्लॉय किया था वो उसका 0.3% के आसपास आया था। और अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो जो मेरे एंटरिंग टाइम था अराउंड 920 के आसपास मैंने एंटर किया था, लेकिन जो मेरी क्वांटिटी थी वो मैंने बहुत कम रखी थी क्योंकि ऑलरेडी 200 के ऊपर प्रीमियम था और मेरे एंटर करने का टाइम थोड़ा प्रीमियम डिपेंडेंसी के साथ है कि अगर प्रीमियम मुझे 150 के नीचे ही मिल रहा है तो ही मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाऊँगा। और वैसा हुआ भी कि 10 बजे के बाद से वापस से स्पाइक आया जहाँ पर मैं थोड़ा सा लॉस या फिर स्क्रैच के आसपास आ गया था, लेकिन मेरी क्वांटिटी कम्प्लीटली थी नहीं। वापस से मैं फिर अपनी क्वांटिटी एड ऑन किया और फिर ग्रेजुअल डीके आते रहे, फिर एक सर्टेन लेवल के आसपास आके लगभग 12 बजे के आसपास प्रीमियम बहुत ही कम हो गया था, तो वहाँ एक स्टिकी हो गया था कि इस बीच में बैठने पे ये कि जो इंट्रेंसिक वैल्यू अगर हिलती है तो फिर मुझे जल्दी वहाँ से निकलना होगा। तो मैंने पोजीशंस नहीं बढ़ाई, तो कैपिटल डिप्लॉयमेंट रिड्यूस किया, बस ये था कि ज़्यादा टाइम तक रुके रहना है यहाँ पे, और मैं लगभग 2:30 बजे के आसपास तक रुका रहा और उसके बाद मैंने एग्जिट किया। तो आपको फिर कॉन्टिन्यूस डीके मिलता था? हाँ, मुझे कॉन्टिन्यूस डीके मिलता था। बैंक निफ्टी में भी डीके अच्छा मिला ना? हाँ, बैंक निफ्टी में भी डीके अच्छा मिला है। बैंक निफ्टी में मैं आज बैठा हुआ था, अगेन मॉर्निंग में ही बैठा था, पर वही क्वांटिटी, यही स्ट्रैटेजी थी कि क्वांटिटी जो रखनी है वो थोड़ी कम रखनी है। एक बार को अगर रेंज थोड़ा आता है, क्योंकि ये 1 DT है आज के लिए, तो मुझे ये भी पता था कि नीचे साइड अगर 400 के आसपास मिल रहा है प्रीमियम तो वहाँ से डाउन साइड जाना की प्रॉबिलिटी कम है कि और कितना ही डीके मिल जाएगा, इसलिए मैंने लगभग 410 के आसपास एग्जिट भी कर लिया था। इसके अराउंड एग्जिट कर लिया था, करीब 410 के अराउंड हुआ था एग्जिट, एंड उसके बाद से ये एग्जिट मैंने करीब 150 के आसपास कर लिया था बैंक निफ्टी में। तो उस पर भी जो कैपिटल मैंने डिप्लॉय किया था उसके अराउंड लगभग 0.4 के आसपास मेरे को बना था यहाँ पे। और जो व्यू था मेरा मार्केट को लेके, अगेन वही था कि जो लेवल्स हैं, मैं लेवल्स को अगर देखूँ फिन निफ्टी के लिए या 0 DT में, तो ये था कि ये जो अगर मैं 5 मिनट्स, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म में ही देख रहा हूँ कि जो भी ट्रेड्स होते हैं मैं इंट्राडे ही करता हूँ, तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म में ये लेवल ऐसा था कि जहाँ से कई बार रजिस्ट करा है मार्केट ने, तो इसीलिए मुझे ये लग रहा था कि मार्केट रेंज में रहेगा अनटिल अनलेस यहाँ से ये ब्रेक नहीं करता है अपसाइड को, तब तक मैं बुलिश नहीं हो रहा हूँ। और जो भी डायरेक्शनल पोजीशंस होंगे वो इस बार इस रेंज से बाहर जाने पे ही मैं क्रिएट करूंगा। और बैंक निफ्टी को लेकर जो पोजीशंस थे सिमिलरली अगेन वही था कि ये भी एक रेंज में ही था। और कल जो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मेरा व्यू जो रहने वाला है बैंक निफ्टी को लेके, स्टिल इन दिस रेंज मैं रेंज बाउंड ही प्ले करने वाला हूँ। तो उस हिसाब से जो सेलिंग की स्ट्रैटेजीज हैं वो प्रेफर मैं कल भी करूँगा। अगेन स्ट्रैटेजी ये होगी कि क्वांटिटी धीरे धीरे रिड्यूस करूँगा, क्योंकि जिस लेवल पे है हो सकता है यहाँ से हमें थोड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए, तो गैप डाउन देखने के बाद क्या ये लेवल टेस्ट करता है या इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, उसके बाद से मैं पोजीशन ऐड ऑन करूंगा, वो स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी। बट अगर वो तोड़ता है और नीचे जाता है तो काफी बड़ा मूव हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से अगर ये तोड़ता है तो एक बड़ा मूव आएगा, तो वो तोड़ने से पहले ही वो 900 पॉइंट है कम से कम। हाँ, ये पॉइंट भी अच्छा खासा है। तो आप एक दिन के अंदर 900 पॉइंट की रेंज अगर हम एक सिंपल विक्स के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड डिवीशन के अकॉर्डिंग देखें तो वो अच्छा रेंज है। अच्छा रेंज, तो वो हो सकता है उस रेंज के अंदर ही रहे, उसे रिस्पेक्ट करें। हाँ, एक्चुअली ये तब पॉसिबल है कि लेट से अगर मार्केट ही गैप डाउन खुल रहा है 300-400 पॉइंट, है ना, उसके बाद फिर आप इंट्राडे में 600 पॉइंट और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर वो कंटिन्यूटी दिखती है देन वो चीज आएगी, और फिर आप उसे कह रहे हो तोड़ के और नीचे जाए। हाँ, अगर वो, तो अगर कल एक्सपायरी है तो इतनी सारी चीजें नहीं होंगी। एग्जैक्टली, तो मतलब मुझे यहाँ पर दिखता है कि अगर इस रेंज के अकॉर्डिंग देखूँ तो एक 52,000 का लेवल एक स्वीट स्पॉट है। हमें मैक्स पेन भी देखना चाहिए कि कहाँ पर होगा, तो 52,000 का लेवल वो उसके आसपास भी एक्सपायरी करा सकता है। हाँ, मतलब एक्सपायरी के लिए अगर कल मार्केट ऐसे ही खुलता है लगभग नियर अबाउट, अगर ज़्यादा गैप डाउन नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली चाहे वो गैप अप गैप डाउन करे बट वो इस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है। हाँ, exactly. उसने आज भी उसे किया रिस्पेक्ट, राइट, इसको इस लेवल पर। मेरे को ऐसा लगता है, ऐसे नहीं, मेरे को लगने से कुछ होना है मार्केट में। अगेन भाई कि मतलब जैसा भी मार्केट में कर रहा है, लेकिन उस बेसिस पे रिएक्ट ही करना है मुझे। हाँ, मैं रिएक्ट ही कर रहा हूं कुछ भी। सो बेसिकली स्ट्रेटजी यही है कि वी हैव टू रिएक्ट द वे द मार्केट विल मूव 100%। सो दैट्स द वे, क्योंकि स्पेकुलेशन है कि ऊपर जा सकती है नीचे, बट अगेन इट्स टोटली डिपेंड्स। यू आर बेरिश कि वो, हाँ, स्लाइटली बेरिश कि वो जो आपका सपोर्ट है उसे तोड़ सकती है। नहीं, सपोर्ट को मैं अभी कल के लिए नहीं मान के चल रहा हूँ, बस मेरा ये कि इस रेंज में है तब तक मैं अपनी जो स्ट्रेटजीज के साथ है ना उसमें मैं क्वांटिटी के साथ काम कर सकता हूँ।
वंस इसके नीचे जाता है तो मुझे हो सकता है कि क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़े, जो स्ट्रेटजी में मैं क्वांटिटीज के साथ काम कर रहा हूँ वो रिड्यूस करना पड़ता है। आपका क्या मानना है? सर मैं डाटा देख के फिर ही सुबह उसी हिसाब से ट्रेड करूंगा। हालांकि ट्रेड प्री डिटरमाइंड रहती है मोटा मोटा, पर रिएक्ट मैं सुबह मार्केट। प्री डिटरमाइंड क्या है आपके दिमाग में अभी? कल मोस्ट प्रोबेबली लास्ट बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कम था तो प्रोबेबिलिटी है कि कल प्रॉफिट होगा। तो आप वीकली देखते हो कि दो एक्सपायरी में क्या दिया तो तीसरी एक्सपायरी में क्या लगता है? वो बेसिकली पार्ट ऑफ द क्वांट एनालिसिस है बेसिकली, कि अगर सपोज मैं 80% विनिंग पे गेम खेल रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती है लास्ट में दो में लॉस आया तो कि आगे प्रॉफिट तीसरे में प्रॉफिट आ सकता है। राइट, ठीक है, क्योंकि वो सही है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो लॉन्ग टर्म में तो ट्रू होता है, बट वो कभी कभी ऐसा होता है कि तीन चार दिन भी हो जाता है, बट वो रेयर होता है। रेयर होता है, तीन चार एक्सपायरीज में लगातार हमारे अकॉर्डिंग नहीं चला। नहीं, हम साइडवेज सोच रहे थे साइडवेज होगा जिसकी 60% प्लस प्रोबेबिलिटी है ही, बट वो दो तीन बार लगातार डायरेक्शनल हो रहा है या फिर वॉलेटाइल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आपका क्या रहा, आज का दिन कैसा रहा? सर आज का दिन मतलब मार्केट थोड़ा सा जब मॉर्निंग में ओपन हुआ था बेसिकली तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मैंने वही फिन निफ्टी करी, इसके अलावा कहीं दो तो दिमाग नहीं लगाया क्योंकि मेरे को पता है कि आखिरी का बचा है तो उसी पे ध्यान देना चाहिए पूरा, फिर जो होगा अपन 30 तारीख के बाद देखेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो अभी ओवरऑल पोजिशन थी मॉर्निंग में मैं 9:16 से लगभग एंट्री करना शुरू कर दिया था। ओके, पर क्वांटिटीज में छोटी लेके चला था और आप मान के चलेंगे लगभग जब तक मार्केट 24,100 के ऊपर था तो मैं पूरे समय सिर्फ और सिर्फ डीजे के बारे में सोच रहा था। मतलब मेरे लिए बिल्कुल क्लियर था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुई है तो उसको ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि उसने प्रीवियस डे के क्लोज को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। सो आपके स्ट्रैडल ऊपर के बने हुए थे? हाँ, तो मेरे स्ट्रैडल जो है वो ऊपर के बने हुए थे, बेसिकली मैं स्ट्रैडल्स करता हूँ तो ऊपर के स्ट्रैडल्स थे। तो यहाँ पे जब मार्केट इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे थी 24,100 के आसपास आई थी तो मेरे पास 150 और 200 था, तो उसके हिसाब से ये वाला मूव आया तो इस वाले मूव में मुझे प्रॉफिट भी बना था। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मार्केट ने जैसे ही लो को तोड़ा तो मैं थोड़ा सा मतलब प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं एक सेकंड में डायरेक्शन बदल देता हूँ। तो यहाँ पर इसके लो तोड़ने के बाद फिर मेरे लिए कोई प्रोबेबिलिटी बची नहीं थी कि अब यहाँ से ऊपर का मूव आएगा, अब मैं नहीं सोच रहा था कि ऊपर का मूव आएगा। इस बीच में एक चीज़ शेयर करता हूँ कि इतना मूव होते होते तक मैं यहाँ पर जो मैं स्ट्रगल का प्रीमियम आप लोगों को बता रहा हूँ वही जो बाकी सब ने भी डिस्कस किया, अगर हम बात करें तो इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम से इस बीच जब मार्केट रुका हुआ था तो रुके हुए समय पर ही यहाँ पे प्रीमियम्स बढ़ने लगे अचानक से। अब ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप डायरेक्शनल तो हो पर दिक्कत क्या होती है कि मैं कहाँ तक जाने वाला हूँ, मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट कहाँ तक मूव करेगा, पहला उसका स्टॉपेज क्या होगा क्योंकि उसके हिसाब से वो प्रीमियम तोड़ेगा, अदरवाइज प्रीमियम नहीं टूटने वाले, वो कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाएंगे तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जब पहली बार फॉल आया तो मुझे लगा यहाँ से एक बार को जब राइज आया तो इस वाले पॉइंट से प्रीमियम बढ़ने लगे थे, इस वाले स्पीड यहाँ पे काफी सारा प्रीमियम बढ़ गया था। फिर ये वाला जब फॉल आया तो उसने एक्सट्रीम प्रीमियम जस्ट डबल कर दिए थे। इस वाले फॉल के पहले प्रीमियम थे 90 रुपए से लगभग पहुंचा था 130-140 तक, और इस वाले फॉल में फिर वो पहुंच गया था 190-195, लगभग 200 पे टच करा, अगर आप विक देखोगे तो 200 तक की गई थी। फिर यहाँ से इस वाले मूव में मैंने अपनी पोजीशन आउट कर दी थी एंड देन वापस लॉस आ रहा था 1,00,000 रुपए। यहाँ पे ओवरऑल लॉस गया था मेरा 1.5 के आसपास, 1.5 गया था, मैंने लाख तक देखा था। ठीक है, मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं पोजीशन हटा दिया था मूव आने के जस्ट पहले 10:14:42 पे मैंने पोजीशंस खत्म कर दी थी, और फिर ऑफिस से 10:25:38 का जब मुझे क्लियर हो गया कि अब मूव रुक गया आएगा तो फिर से मैं ऑफिस से पोजीशन लेकर के चार्ट पे आ सकते हो 10:14 पे। 10:14 मतलब आप बोलेंगे ये रहा 10:14, ये 10:15 का कैंडल है ये वाला, 10:14 मतलब मैंने ये सारी पोजीशंस काट दी, बच गए आप। हाँ, तो वो मूव पकड़ इससे पहले ही आपका लॉस हो गया। हाँ, इससे पहले मैं बताया ना कि प्रीमियम अजीब तरीके से रेट करने लगे, तो प्रीमियम अजीब तरीके से रेट करना मतलब बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से कुछ ना कुछ होने वाला है, तो आप समझ जाओ उसको, समझ के आपको बाहर निकलना है। तो मैंने यहाँ पे जो सीखा, मतलब जो सबको सीखना चाहिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने को लग रहा है अगर कि लॉस हो रहा है तो अपने को ये नहीं सोचना है कि अरे अभी तो प्रीमियम वापस लोड किया जाएंगे होना तो जीरो ही है, तो ऐसा नहीं सोच सकते, अपने को काटना पड़ेगा उसको। तो वो मैंने वहाँ पे लॉस बुक किया था, फिर दोबारा से यहाँ पे 10:25 के बाद इस जगह से फिर से मेरी एंट्री आना शुरू हुई थी, और फिर थ्रू आउट द डे फिर तो बहुत था। उसके बाद फिर उसको जिसको बाहर करना था उसने बाहर कर लिया था, मार्केट में लगभग वो ऐसे ही बाहर करते हैं तो उनको पता है कि सबको प्रीमियम का थीटा चाहिएगा तो हर कोई आता है वही प्रीमियम का थीटा देने के लिए, तो एक बार वो कोशिश करते हैं कि बाहर करें और अगर उसमें सही साथ बाहर नहीं हो पाते तो दूसरी बार फिर प्रयास होता है कि बाहर करा जाए। अब वो प्रयास किन के द्वारा होता है तो वो दे आर बिग प्लेयर्स, तो उनको भी 8,000-10,000 करोड़ से कुछ पैसा बनाना होता है। अभी यहाँ से अगर अपन बात करें कि कल का क्या व्यू है, तो बेसिकली कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं बैंक निफ्टी प्ले करने वाला हूँ,
अभी अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो ओवरऑल जो पोजीशन है वो ये जो गैप है ना, मैं ये वाला जो गैप है मैं एक बार इसको टेस्ट होते देखना चाहता हूँ कि मार्केट कैसे टेस्ट करता है इसे। तो कल के लिए मेरे दो व्यू रहेंगे, अगर आज का लो टूटता है, देखिए मेरे लिए प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर ये वाला जो लो है ये लो टूटेगा तो फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर व्यू बना के रखा हूँ कि मैं फिर नीचे में गैप को फिल होते देखूंगा। राइट, अदरवाइज लो अगर प्रोटेक्टेड है तो फिर मैं होल्ड रखूंगा, मार्केट फिर साइडवेज रहेगा। अगर लो टूटता है तो आई विल एक्सपेक्ट 51,500 की एक्सपायरी होगी, और अगर मार्केट ऊपर ही रुकता है तो डेफिनेटली फिर वो 52,000 के आसपास की एक्सपायरी करेगा, और अगर मार्केट 52,200 के ऊपर ओपन होता है तो फिर मैं ऊपर 52,500 की एक्सपायरी कराने के हिसाब से 52,500 के हिसाब से प्ले करने जाऊंगा। तो ओवरऑल मेरा ये व्यू है कल का। ठीक है, तो आज टोटल पीएनएल क्या रहा आपका? टोटल में सर मैंने नेट पॉजिटिव में क्लोज किया 1.65, ऑल्दो मैं बता देता हूँ कि थोड़ी सी कैपिटल बढ़ी है तो उसके हिसाब से इट इज 0.5% आई थिंक 0.5% के ऑर्डर्स थे हमारे। ऑर्डर्स थे टोटल से मेरे पास 168 ऑर्डर में से 8-10 ऑर्डर इसके जो ETF हम परचेस करते हैं, तो टोटल 160 ऑर्डर्स के आसपास गए। ETF आप सबने परचेस करे ना आज? आपने नहीं? मैंने नहीं। अच्छा आपका नहीं है, ठीक है, मैं परचेस नहीं। तो टोटल में 160 ऑर्डर्स के आसपास थे पोजीशन जो प्ले करी अपन ने उसमें, जिसमें स्टडल्स 24 वो भी मैं बता था, पहले 200 भी थे और 200 से बाद में हम शिफ्ट होकर के और नीचे में फिर 50 पे और 950 पे भी मैंने प्ले किया। ठीक है चलेगा, ये थी ओवरऑल की ओवरऑल सिचुएशन। तो आपका तो खैर मुझे पता है क्या हुआ, बट आप बता दो लोगों को। सो मेरा सर आज का लॉस हुआ है 1.2% का, मतलब 30,000 का लॉस हुआ है। चीज़ें क्या हुई मेरे साथ, मैंने थोड़ा मैनुअल डिसीजन लिया जो मेरे सेटअप के अगेंस्ट था, तो उसकी वजह से मुझको ये लॉस लेना पड़ा है। और पहला मेरा व्यू था कि मार्केट वैसे डाटा, अगर मैं डाटा की बात करूं, सर भी राहुल सर भी करते हैं डाटा के साथ, मैं क्या देखता हूं मैं बता देता हूं। मैं देखा था इसमें आपका FIIs का डाटा एंड प्रोस का जो डाटा आया था वो आपका निफ्टी में करता हूं तो स्ट्रांगली बुलिश आया था, और प्रोस में इंडिसेस था तो मुझे लगा कि मार्केट गैप अप हुई है, थोड़ा सा नीचे आएगी तो पुट में ले मैं एंट्री करूंगा ऊपर साइड के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को दो बार मार्केट ने वो कर दिया था, टेस्ट कर लिया था, मुझे लगा था कि टूट जाएगा, और सुबह का OI डाटा भी एग्रेसिव था पुट शॉर्ट के लिए, तो मैं पुट में लिया तो वहां पे मेरा लॉस हुआ। फिर मैंने तुरंत इमीडिएटली कॉल बनाई थी इस जगह में, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुट के लिए और भी लिया था ट्राई, ये मेरे अगेंस्ट मैंने कर दिया था अपने सेटअप के, मतलब दूसरी बार पुट मुझे नहीं लेना चाहिए था। अगर मैं कॉल के साथ रहता और पूरा दिन स्टिक रहता क्योंकि मेरा व्यू फिर, बट उसके बाद आपने कॉल बेचा था और आप प्रॉफिट में भी थे। प्रॉफिट में भी आया था, मेरा लॉस जो था वो कवर हो गया था, बट ये स्पाइक्स में मैंने फिर मेरा एंट्री नहीं हुई थी, मतलब सेटअप में नहीं बोला था कि एग्जिट करना है, बट मैंने मैनुअल लेके थोड़ा दिक्कत कर दिया, मतलब मैनुअली इन्होंने इस हैंडल पे एग्जिट कर दिया। हां, तो वो मेरा जो है आज लॉस दे दिया। फिर उसके बाद मैंने एंट्री थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉल शॉट की करने की कोशिश की थी, बट धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर मैंने थोड़ा उसमें 3-4 हज़ार रुपये लॉस करके ख़त्म कर दिया कि मैं नहीं करना, आज लगता है मेरा दिन नहीं है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और मैं निफ्टी करता तो निफ्टी के एनालिसिस मैं दे देता हूं, अगर मैं वन डे पे चार्ट पे आऊं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपने सेटअप पे रहते तो आपका आज प्रॉफिट होता, आज प्रॉफिट होता, अच्छा प्रॉफिट होता, अच्छा प्रॉफिट होता, लगभग कितना, 1% आराम से, आराम से। तो अगर मैं निफ्टी के उस पे आऊँ तो ये जो आपका स्विंग दिख रहा है इसी के आसपास मार्केट देखिए, दो बार रेजिस्टेंस भी ले लियो, इस दिन का लो प्रोटेक्टेड है, तो मेरे लिए ये रहेगा। अगर मैं 1 आवर पे बात करूँ, अगर मेरा ये नीचे टूटता है, ये वाला जो लो है आपका 24,136, ये टूटता और मैं सेटअप भी बोलता है कि कॉल शॉर्ट है, तो मैं इस पर एग्रेसिवली शॉर्ट करूँगा, और ऊपर के साइड अगर ये टूटता है तो फिर मैं इस पर, अब सेटअप भी बोलता है पुश शॉर्ट करने को, तो फिर मैं पुश शॉर्ट भी करूंगा, और यहाँ तक का मेरा निफ्टी के लिए टारगेट रहेगा, और अगर ये चाहता है नीचे तो यहाँ तक का ये रहेगा। मैं थोड़ा एग्रेसिवली लॉन्ग, अगर मैं लॉन्ग व्यू का बात करूँ तो मैं एग्रेसिवली निफ्टी को नीचे देखता हूँ जब तक 24,500 प्रोटेक्टेड नहीं है, तो जब 24,542 अगर जब तक होल्ड है, अगर ये तोड़ के मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर दी तो फिर मैं निफ्टी में बुलिश हूँ, अदरवाइज मैं 23,500 के नीचे भी निफ्टी को देखता हूँ आने वाले टाइम के लिए, ये है मेरा व्यू रहेगा। नेट फ्यूचर ओवरऑल जो है नेगेटिव में है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 से वो लोग शॉर्ट है, और क्लाइंट आप डे वाइज देख भी रहे हो या ओवरऑल भी देख रहे हो? मैं मतलब बेसिकली 2-3 चीजें देखता हूँ उसमें, जैसे सपोज क्लाइंट यहाँ से टोटल नेट देखता हूँ, हाँ, तो यहाँ से ये बाय है, हाँ, तो 80-90% चांसेस है ये अपोजिट होंगे इसके, हाँ, तो ये शॉर्ट है, तो मार्केट, हाँ, यहाँ से शॉर्ट हुआ, पर
प्रो की पोजीशन भी इतनी मैटर करती है, जैसे अपन लोग प्रो में ही आते हैं मोटा मोटा, तो अगर सपोज प्रो यहाँ से बुलिश दिखा रहा है तो जो जो सेम इंडेक्स है जैसे फिन निफ्टी की थी, तो चांसेस आर वेरी हाई कि फिन निफ्टी आर वेरी वोलेटाइल, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, सो इट्स लाइक दैट। तो आप कह रहे हो कि अगर FII और प्रो के बीच में बैटल चल रही है तो वो बैटल हमको मार्केट में देखने मिलेगी, दिखेगी। अगर ये सपोज दोनों वन साइडेड है तो डायरेक्शन होने के चांसेस है। ओके तो जो बट दो बड़े प्लेयर अगर अपोजिट बैठे हैं तो वोलेटाइल या साइडवेज हो सकता है, अपोजिट बैठे हैं तो अब प्रीवियस डे से कोई मतलब नहीं, प्रीवियस डे से कोई, प्रीवियस डे से पोजीशन चेंज हो चुकी है ना बेसिकली, तो जैसे सपोज ये शॉर्ट लेके गए तो मार्केट ये नीचे लेके जाएंगे, और जैसे प्रो को अपनी पोजीशन बुकिंग करनी है तो एक बार ही वो फिर निफ्टी के ऊपर भी लेके आए थे अपनी पोजीशन बुकिंग करने के लिए, तो ये बेसिकली ओवरनाइट डाटा होता है, तो ओवरनाइट पोजीशन इनको भी बुक करनी है और इनको भी बुक करनी है, तो वो नीचे भी लेके जाएंगे ऊपर भी लेके जाएंगे, वैसे ये बड़ी क्वांटिटी होती है बेसिकली। आप साइडवेज कब देखते हो? साइडवेज सर ये जो वॉल्यूम है ये बिल्कुल कम दिखेगी, ये 10-15 हज़ार वैसे 10,000-15,000 ऐसे कम दिख रही है तो मार्केट साइडवेज के चांसेस, बट फिर मूव भी तो आ सकता है। साइडवेज में सुबह 11 बजे तक ये डाटा वैलिड रहता है, तो 11 बजे तक मूव देखने को कम मिलेगा, उसके बाद चालू, उसके बाद चालू जाएगा। मतलब पोजीशन तो वो 11 बजे के बाद भी बना ही सकते हैं ना, मतलब पोजीशन तो थोड़ा डे बना रहे हैं, मतलब अगले दिन की पोजीशन भी फिर तक वो तो 11 बजे के बाद वो दिखती नहीं है ना इंट्राडे, अपने को दिखती नहीं, खाली आधी बात में भी पता चलता है, दिन में भी वो कैसे भी रेट कर सकते हैं, पर ये डाटा वैलिड 11 बजे तक ही होता है मैक्सिमम टाइम। तो जैसे अभी मैं बोलूं कि प्रो का जो डेटा है ना और FII का डेटा वो ऑपोजिट है और जो क्वांटिटी उसमें डिफरेंस भी ठीक ठाक है, पर आप प्रायोरिटीज किसको देते हो? लेट्स से आपने बोला कि बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है, राइट, बट अगेन मैं अगर डेटा को बोलूं तो लगभग डबल है ऑलमोस्ट, है ना? नहीं, इसमें FII के डेटा को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो जैसे ये फिन निफ्टी वही जो मैं बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे थे मेरा पोजीशंस से ऊपर का जब वॉल्यूम शिफ्ट हुआ था तो मैंने लॉन्ग स्ट्रेटल्स पे शिफ्ट कर दिया, मतलब अपने हेजेस बढ़ा दिए थे। तो वो जो हेजेस आपने बढ़ाने के बारे में सोचा था वो आपने किस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट की मुझे लगता है कि इस वाली जगह से मुझे हेजेस में अब शिफ्ट होना चाहिए, कि आप डायरेक्टली सिर्फ स्ट्रेटल्स के प्रीमियम भी देख रहे थे? नहीं, एक्चुअली मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, पोजिशंस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो भी बेटर रहेगा। तो इसमें बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये जो अगर सपोज बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं विद प्रीमियम स्पाइक्स आ रहे हैं तो ऑलरेडी मेरी हर टाइम हेज पोजिशन लगी रहती है। आप सभी को पता है जैसे कि लास्ट के 6 महीने में सेंसेक्स में 5% के लॉसेज हुए हैं, नॉर्मल है वो सभी के लिए, तो मैं मैक्स लॉस तो डिफाइंड करके ही चलता हूँ, तो उस वजह से हेजेज लगी रहती है ऑल द टाइम। सो अगर हेजेज में मेरे को प्रॉफिट दिखने लग गए कि विद स्पाइक्स, तो मैं फिर क्वांटिटी बढ़ाते चला जाता हूँ ऑन द स्पॉट। वो विद इन 30 सेकेंड्स का होता है, 30 सेकेंड्स में वो सारा काम करना होता है, तो वो तुम्हें स्क्रीन पे एक्टिव रहना पड़ेगा बेसिकली। सेकंड थिंग, वो तुम धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा। मैं बेसिकली साल भर से कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, जब से ये नवंबर दिसंबर में मिड कैप में जो स्लिपेजेज आई थी ना, काफ़ी आपको याद हो जब वो इंडेक्स में बिगनिंग में, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो ये बेसिकली इसका गोल ये रहता है कि कैपिटल सेफ रहे और SL बचाने की कोशिश होती है इसके पीछे, कि आज का मूव ऐसा था, अगर SL लगने के भी चांस थे, अगर वो थोड़ी देर और सेम स्पाइक सस्टेन हो जाती है तो बहुत ज्यादा चांस थे उसके। तो ये हेजेज ने मेरे को 0.3-0.4 का बैकअप दे दिया था, तो उससे मैं सेफ हो गया था अपनी स्ट्रेटेजी में। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जब अब हेजेज पे क्वांटिटी तो बढ़ा दिया, ठीक है, मान लीजिए आपका वो एनालिसिस है कि स्पाइक आने वाली है, अगर नहीं आती तब हेजेज को काटते कब हैं? जैसे ही अगर वो प्रॉफिट में आ गई और मेरे को लग रहा है ये मूव खत्म हो गया, पर मूव कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वैसे, तो मैं कुछ परसेंट बुक करता जाता हूँ और स्ट्राइक्स चेंज करता जाता हूँ। तो जो हेजेस हैं आप इनके प्रॉफिट को रियलाइज करते हैं या फिर जस्ट बिकॉज योर मेन पोजीशन इज लाइक सेलिंग ओनली? नहीं, मैं प्रॉफिट उसका स्लोली बुक करता हूँ, रीजन बींग अगर सपोज मेरे को स्ट्रेटेजी के अंदर 0.2-0.3 मिल गया तो वो बैक कर देती है स्ट्रेटेजी को बेसिकली। अगर प्रीमियम बुक नहीं करा होता ऊपर जाकर के तो वो वापस सब ले जाता है, क्योंकि उसमें बाहर के ऑप्शंस में तो हिटा उससे भी ज्यादा तेजी से जाएगा ना। यस एब्सोल्युटली, वही चीज़ है। आप बताइए आपका कैसा रहा आज का दिन? तो मैं मोस्टली ऑप्शन के प्राइसेस से ही मार्केट को एनालाइज करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मोस्ट OI जो बैठा है वो 24,000 पे और 24,200 पे बैठा है। अब 24,200 तो ATM है तो वहाँ पे OI होना जायज है, लेकिन 24,000 एक राउंड स्ट्राइक है इसीलिए वहाँ पे OI काफ़ी है। इंटरेस्टिंगली 24,000 ही वो पॉइंट है जहाँ पे निफ्टी ने गैप भी क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी जो 2 दिन में है, मुझे लगता है जो प्लेयर्स मंथ के स्टार्ट से 24,000 की स्टार्ट लेके बैठे हैं वो मेक श्योर करेंगे कि कल सेकेंड हाफ तक या
परसों तक उनको एक अच्छा एग्जिट 24,000 में मिल जाए या फिर एक्सपायरी 24,000 की करा लें। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ 3-4 दिनों का पिछले महीने भर का एक्चुअली प्राइस एक्शन भी कुछ इस तरीके से है कि मार्केट ने नया हाई बनाने की कोशिश की है, जो RSI पे एविडेंट है कि स्ट्रेंथ मार्केट कहीं ना कहीं से लेके आ रही है, लेकिन वो पिछले प्राइस लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रही है। तो मैं कहीं ना कहीं मार्केट में एक लॉस ऑफ मोमेंटम देखता हूँ कि मार्केट कोशिश कर रही है ऊपर जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं से वो सॉलिड बाइंग या सॉलिड सपोर्ट नहीं है। जैसा आप देखोगे तो अब पिछले इस वाले बाउंस पे DII भी कल थोड़े से बेरिश टर्न हो गए, DII भी प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुके हैं कहीं ना कहीं, म्यूचुअल फंड्स भी अपना प्रॉफिट बुक करने वाले जोन में आ चुके हैं। तो अगले 3-4 महीने तक भी और स्पेशली अगले 2 दिन के लिए तो मैं मार्केट को बिल्कुल बुलिश नहीं देखता। मेरा एनालिसिस है कि ये गैप निफ्टी वाला गैप कवर हो जाएगा और बैंक निफ्टी में शायद गैप ज़्यादा बड़ा है इसलिए कवर ना हो कल तक, लेकिन निफ्टी में मोस्ट प्रॉब्ली ये गैप कवर हो जाना चाहिए और 24,000 के जो स्ट्रैडल राइटर्स हैं उनको एक अच्छी एग्जिट मिल जानी चाहिए। आप ओवरनाइट पोजीशन लेके गए हो? तो मैं हाँ एक ओवरनाइट पोजीशन लेके गया हूँ। तो ओवरनाइट पोजीशन अगर आप देखोगे तो 52,200 बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी हमने कैरी की है हेज के साथ में। ओके, हेज में 10% क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो हमेशा ज़्यादा जाती है हमारी साइड से, क्योंकि अगर ब्लैक स्वान कभी भी हो तो ये ओवर हेज जो 120 क्वांटिटी भी है ये भी आपको कई गुना दे सकती है, तो आपका नेट नेट वार सेफ रहता है। 10% से कवर हो जाता है इसका? नहीं सर, अगर जो हिस्टोरिकली देखा गया है वो ये देखा गया है कि अगर गैप डाउन हो रहा है तो या तो 4-5% गैप डाउन हो रहा है या 1% कैंडल गैप डाउन हो रहा है, 2-2.5% का गैप डाउन नहीं होता। या तो कुछ बड़ी न्यूज आ जाती है तो मार्केट उसको संभाल नहीं पाती, या छोटी न्यूज आती है और मार्केट उसको संभाल लेती है। तो अगर 1% गैप डाउन होता है तो आपकी नॉर्मल जो सेल किया हुआ है वो उसके प्रीमियम भी आपको बचा लेते हैं, और अगर 4-5% हो जाता है तो 4-5% के टाइम पे वो 10% भी आपको मेक श्योर करते हैं कि आपका 2% या 3% ही मैक्स लॉस जाए। और उसके अलावा साइज हम इस तरीके से करते हैं कि कोई भी केस में आपको ये 3-4% के ऊपर लॉस नहीं दिखाती। अगर सपोज आई सी द डाटा एक्चुअली लास्ट 4-5 ईयर्स, सो 2.5% के मूव ईयरली वाइज 5% होते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ डाटा से 5% बाद 2.5% के मूव आते हैं। यस यस यस, तो उस मूव में आपका MTM कहां तक जा सकता है? तो मुझे लगता है कि अगर अपन यही रिक्रिएट कर ले या तो सेंसिबल में या उसमें कर लो तो अपन को दिख जाएगा। तो इस के लिए जो फंड्स यूटिलाइज्ड है वो तो 20 लाख के आसपास ही है, लेकिन आप समझो ये मार्जिन जो है अकाउंट में वो 1 करोड़ के आसपास है। तो आपका वर्स्ट सिनेरियो भी है कि आपका 2.6% लॉस होगा कैपिटल नहीं 2.0 कैपिटल पे है ना। और वो भी आपका एक ही पॉइंट पे है जो सुबह सुबह रियलाइज नहीं हो सकता आपका। अगर मार्केट थोड़ी भी गैप डाउन कर दिए तो सुबह आज के प्रीमियम से कल के प्रीमियम ज़्यादा ही होंगे। तो अगर आप यहाँ पे हमको ये भी एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप कल सुबह का प्रेडिक्ट करना चाहो कि कल सुबह किस तरीके से प्रीमियम रहेंगे, तो अगर आप 9:30 पे देखो तो ब्लू लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 2.7% वाला, ये सुबह सुबह कभी भी रियलाइज हो ही नहीं सकता थियोरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी। तो 1.6 या तो आप ये हो सकता है कि आप 2% का लॉस ले दो, या फिर अगर कहीं यहाँ पे खुल रहा है और अगर बड़ा गैप डाउन होता है जैसे समझो 4-5% वाला, तो आप देखो कि जैसे जैसे आप दूर चले जा रहे हो आपका बहुत ही माइनस सा लॉस होता है, आपका 1-1.5% का लॉस होता है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, जैसे अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा भी मार्केट वाइड रह सकता है, और अगर आप 10% 20% 30% हेज एक्स्ट्रा वर्क कर दो तो आपका 3.5-4% के बाद में प्रॉफिट वाला जोन चालू हो जाता है। तो आप ब्लैक स्वान के लिए प्रिपेयर्ड हो। एंड हाउ डिड यू डिफाइन द हेज पोजीशंस एक्चुअली, व्हाट इज द परसेंटेज वाइज द करंट? हाँ, तो हेज जो डिस्टेंस आप कह रहे हो मेरे ख्याल से कि डिस्टेंस क्या लेना चाहिए, तो हेज का डिस्टेंस मैं जनरली इस तरीके से लेता हूँ कि अगर आप इस रेशियो को सही कर दो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखोगे तो अगर ये 1:1 रख दूं मैं तो मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास है। तो प्रीमियम जब जब चेंज होंगे तो तभी स्ट्राइक का डिफरेंस भी चेंज होगा। तो अगर आप 1:1 वाली कोई भी फ्लाई मार रहे हो तो मैं डेली इस तरीके की पोजीशन लेके जाता हूँ कि मैक्स प्रॉफिट का चांस और मैक्स लॉस का, मैक्स प्रॉफिट जितना है और मैक्स लॉस जितना है वो ऑलमोस्ट सेम रहे, 1:1 के आसपास ही रहे। तो जनरली स्ट्राइक डिस्टेंस मैं वहीं से कैलकुलेट करवाता हूँ जैसे आज वो 600 का रहेगा। आप लोगों के लिए बेसिकली हम जो ये ओवरनाइट का पोजीशन लेके जा रहे हैं, सो एक सिस्टम है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसका नाम है ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम। सो शायद आज से 1 साल 2 साल 3 साल के बाद हम आपको उसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। सो हम बाद में बताएंगे, बट ठीक है, मतलब वी आर एक्चुअली ट्राइंग, मतलब कुछ सीख के नहीं आए हुए तो हम भी ट्राई कर रहे हैं एंड ये सही चलता है। मतलब अगर आपकी जो नेक्स्ट डे एक्सपायरी वाली सीजन है जैसे ये बैंक निफ्टी में मार रहा है, सो ये हमेशा 1 DT के लिए ही जाएगा।
कि नेक्स्ट डे किसकी एक्सपायरी है, तो उस तरीके से। तो ये जो पोजिशनल पोजिशन जा रही है ना, तो क्या ऐसा एनालाइज करते हैं आप आखिरी के हाफ एन आवर में, ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है कि आज पोजिशन जानी है या फिर आज अवॉइड करनी है? मतलब अगर आप बेसिक फैक्टर्स कंसिडर करो तो कोई भी ओवरनाइट इवेंट के टाइम पोजिशन नहीं जाएगी, कोई भी टॉप 10 शेयर्स के अर्निंग्स के पहले पोजीशन नहीं जाएगी, आपके FOMC या RBI मीटिंग के पहले पोजीशन नहीं जाएगी। उसके अलावा अगर आपको लास्ट के आधे घंटे में प्रीमियम बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो भी स्पेशली अगर कोई एक साइड के या कॉल्स के या पुट्स के, तो आपको पोजीशन लाइट रखनी चाहिए। बहुत बार वो भी फेड आउट हो जाता है मूव, लेकिन आपको पोजीशन लाइट रखनी चाहिए। ओके, या अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि मूव आने वाला है, अगर आप खुद ही बुलिश या बेरिश हो कोई रीज़न से ज़्यादा, तो आपको अपने आप से ही चेक करना चाहिए कि आप पोजीशन लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे, क्योंकि एक तरफ आप मार्केट में बुलिश या बेरिश हो और एक तरफ आप साइडवेज की पोजीशन ले जा रहे हो। तो उस हिसाब से मैं साइज अप साइज डाउन करता हूँ कि मेरे लिए मार्केट अब बेरिश है लेकिन बहुत ही कम बेरिश है। मैं निफ्टी को 2 दिन में 1% गिरते हुए देखता हूँ, मैं नहीं देखता कि निफ्टी कल गैप डाउन हो जाए। वो भी डिटरमाइन करेगा कि आप साइज कितनी बड़ी या कितनी छोटी लेके जा रहे हो साइडवेज पोजीशन की। मतलब ये कि कल जैसे व्यू नेगेटिव था आपका, अगर व्यू नेगेटिव ज्यादा बड़ा नेगेटिव होता तो पोजीशन और भी कम हो जाती। हाँ, तो जैसे कल मेरा व्यू काफी नेगेटिव था, मैं चाहता था कि एक बार के लिए जो आज जैसे आइलैंड टॉप जिस एक साइन होता है, होता है आइलैंड टॉप जो होता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया फिर वापस गैप लेके वापस यहाँ से खुल गया। तो मेरा प्रेडिक्शन था कि आइलैंड टॉप बन सकता है निफ्टी में आइलैंड रिवर्सल, तो कल मैं इसलिए ओवरनाइट लेके नहीं गया था। अब आज निफ्टी ने दिखा दिया कि शायद आइलैंड रिवर्सल ना हो और शायद धीरे धीरे मार्केट ये गैप फिल कर दे, तो मेरी पोजीशन आज इस साइज की है। एक्चुअली प्रीमियम से काफी कुछ सीखने को मिलता है, तो वो प्रीमियम स्पाइक कर रहे हैं तो किसी रीजन से करते हैं, कई बार वो कुछ भी नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप बड़े लॉस से बच जाते हो। मतलब जैसे मेरी क्या स्ट्रेटजी होती है कि मैं ओवरनाइट पोजीशन इसलिए नहीं ले जाता कि मुझे उसको रियलाइज करना है, इस जस्ट बिकॉज मैं उतने कैपिटल या टेस्टिंग के लिए ले जाता हूँ कि कल मार्केट कैसी रहेगी। वो रिसेंटली मैंने शुरू किया, अच्छा डिस्कस भी कर रहा था। यू हैव द ओवरनाइट पोजीशन राइट नाउ? बस लेकिन वो बहुत ही बेसिक लॉट है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए। बैंक निफ्टी, और ये मैं डेली करता हूँ कि जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन कि कल का दिन कैसे रहने वाला है, एंड देन उसके बाद से पोजीशन कैरी ओवर करना। ठीक है, सो आज का दिन तो ओके था, मतलब जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ 0.5% के आसपास का रेट था। आपका सेटअप पे बस प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज आप भी प्रॉफिट में रहते। ओवरऑल स्ट्रेटजी इज प्रॉफिटेबल, जस्ट गो विद द फ्लो। वो एक दिन के लिए हमें उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है यार। मतलब एक्चुअली क्या होता है, रियल ट्रेडिंग जो होती है ना थोड़ा सा बोरिंग होती है। वी आर डूइंग द सेम थिंग्स एवरी डे एंड डिस्कसिंग सिमिलर थिंग्स। बस एक जो मेरे को मीटिंग लेनी होती है वो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर दी। सो आई होप आपको भी, जैसे आप कहीं बैठे होंगे अब रिमोट लोकेशन पे होंगे, आपके पास और ट्रेडर्स भी होंगे, तो देखने को मिलेगा कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। जो भी हम बातें कर रहे थे, हम सैडल प्रीमियम स्पाइक्स, सो व्हाटएवर वी आर टॉकिंग अबाउट, हो सकता है आप इसके बारे में और समझें और यू बिकम अ बेटर ट्रेडर। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ही हम इस तरीके की वीडियोस डालेंगे जो ट्रेडर डेन से रिलेटेड होंगी। इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग मोर फॉर यू, सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, जिससे लोगों को पता लगे कि एक डिफरेंट चैनल है जिस पर इस तरीके की वीडियोज आती है, जिसमें आप लर्निंग अलग तरीके से ले सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई एम योर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।